मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफी तक पूरे भी किए हैं। वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। क्रिमिनल का विस्तार है या जो भी करना है उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमराय बनाएंगे। ये विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज पर आम समिति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूँ आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में वित्त आयोग के गठन के बाद से ही राजनीतिक नियुक्तियों और कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी लगातार सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का एक बयान आया है, उस बयान के बाद से भी राजनीति गर्मा गई है। पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत और उसके बाद सहमति के लिए बनी कमेटी की सिफारिशों पर एक्शन टेकन का अब तक इंतजार है। सचिन पायलट ने अब कमेटी में बनी सहमति के बिंदुओं पर तत्काल अमल करने की बात उठाई है। सचिन पायलट ने इसकी तरफ इशारा भी कर दिया है। पायलट ने कहा कि पहले जो कमेटी बनाई गई थी उसमें अहमद पटेल के निधन के चलते काम नहीं हो सका, लेकिन अब पूरा विश्वास और भरोसा है कि ज्यादा विलंब नहीं होगा। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि जिन मुद्दों पर आम सहमति बनी थी उन पर अब तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि सरकार समय समय पर नियुक्तियाँ करती आई है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफ़ी तक पूरे भी किए हैं, लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमराय बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले, दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज़ पर आम समिति बनी थी उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब उपचुनाव भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए इस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलंब होगा। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट ने जहां एक ओर सोनिया गांधी पर विश्वास जताया है, वहीं एक धमकी भरे लहजे में ये भी कहा है कि अब उपचुनाव भी जल्द खत्म हो जाएंगे और उसी के साथ 5 राज्यों के चुनाव भी पूरे हो चुके हैं, ऐसे में अब किसी तरह का कोई विलंब नहीं होना चाहिए। राजनीतिक नियुक्ति हो या फिर कैबिनेट विस्तार हो, दोनों पर अब जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए और उनकी जो मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जल्द उपचुनाव संपन्न हो जाएंगे, इसके अलावा 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव समाप्त होने वाले हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए थे कुछ पूरे हो गए हैं और कुछ जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही विधायक रमेश मीणा और अन्य विधायकों के दलित आदिवासी विधायकों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाने पर पायलट ने समर्थन किया। सचिन पायलट के इन बयानों से एक बात तो साफ है कि सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय अपनी मांगों में उलझे हुए हैं। वहीं आलाकमान अब इस पर किस तरह का रुख रखता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस के आलाकमान ने राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।